सहस्रार्जुन, तू स्वयं को सहस्रों भुजाओं का स्वामी कहता है ना? आज मैंने तेरी 998 भुजाएं काट कर फेंक दी हैं। अब अपनी रक्षा के लिए तेरे पास केवल 2 भुजाएं बची हैं। कौन हो तुम? मैं वो हूं जो बाल्यकाल से तेरे अत्याचार का साक्षी रहा है। कौन है तू? परिचय दे अपना। मेरा परिचय जानना चाहता है तू? मेरा परिचय है तेरा अत्याचार। मेरा परिचय है वो अग्नि लीला जो आश्रमों और गुरुकुलों को समाप्त करने के लिए तू लगातार रचता रहा है। मेरा परिचय है उन आचार्यों, गुरुजनों, ऋषियों और विद्यार्थियों की कराहें जो तेरे आतंक का लक्ष्य बनते रहे। हे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन, मैं तेरे और तेरे वर्ग के अत्याचार के अंत की घोषणा हूं। एक अधर्मी के लिए धर्म का, अन्याय के लिए न्याय का और असत्य के लिए सत्य का प्रतीक हूं मैं। मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र राम हूं, वो राम जिसके हाथ में परशु है। मेरे राजभवन में पग रखने का साहस कैसे हुआ तुझको? मैं तुझे ललकार कर जगाने और जगा कर मारने आया हूं सहस्रार्जुन। कौन? तू मुझे मारेगा? मैं तो समझता था कि यह मात्र कहावत है, परंतु नहीं, यह सत्य है कि जब वन के पशु को मृत्यु की इच्छा सताती है तो वो वन छोड़कर नगर की ओर भागता है। तुमने अपने शस्त्रों की परीक्षा कर ली, अब बारी मेरे परशु की है। जंबो, रुक जाओ। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो वत्स, परंतु मेरे पति को क्षमा कर दो। अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए देवी, क्या आपके पति के अपराध क्षमा करने योग्य हैं? आपको तो अपने पति के केवल कुछ ही अपराध ज्ञात हैं, पर फिर भी कुछ भी हो, यह संभव नहीं कि मेरे होते हुए कोई मेरे पति का वध कर सके। मेरे समक्ष मेरे पति को कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे पतिव्रता धर्म को। इनका वध करने से पहले तुम्हें मेरा वध करना होगा। देख लिया तूने, जिस नारी जाति का तेरी दृष्टि में कोई आदर सम्मान ही नहीं, जिस नारी जाति को तू केवल काम वासना की तृप्ति का एक साधन समझता है, वैसी एक नारी आज तेरे और तेरे मृत्यु के बीच एक दीवार की भांति खड़ी है और तुझे अपने मृत्यु से बचने के लिए एक नारी के पीछे छुपना पड़ रहा है। कायर, धिक्कार है, धिक्कार है। हे देवी, आप मेरे लिए माता समान है और केवल इसीलिए मैं आज आपके पति को क्षमा दान दे रहा हूं। परंतु यह स्मरण रहे देवी कि आपके पति की आयु बहुत लंबी नहीं है। मूर्ख, तूने मुझे नहीं अपनी मृत्यु को जीवित छोड़ दिया है और तू जीवन भर अपनी इस भूल के लिए हाथ मलता रहेगा। मैं पल्ले बनकर टूटूंगा तेरे सारे वंश पर।
किसी को मुझसे क्षमादान नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। रेणुका, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि कोई भी कार्य करना। आचार्य ऋषि वशिष्ठ आपसे भेंट करने आए हैं। ऋषि वशिष्ठ, चलो। स्वागतम स्वागतम ऋषिवर, स्वागतम। प्रणाम ऋषिवर। बड़ी कृपा की आपने पधारकर। बहुत समय से आपसे भेंट करने को मन कर रहा था, परंतु अपनी व्यस्तताओं से अवकाश ही नहीं मिल पा रहा था। ये देवी कौन है? मैंने उसे नहीं पहचाना। यह आपके प्रेम मित्र आचार्य प्रियव्रत की पुत्री अनामिका है। अपने पिता के साथ आपके आश्रम में ही तो रहा करती थी। अरे सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, ये तो बड़ी गुड़िया सी हुआ करती थी। इतनी बड़ी हो गई। आप पर जो कठिन समय बीत रहा है ऋषिवर, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। हर्ष यह है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी आपके धैर्य के पांव नहीं लड़खड़ाए, अन्यथा उस दुष्ट सहस्राज ने तो अत्याचार की हर सीमा पार कर दी है। अत्याचार तो अत्याचार है ऋषिवर, पड़ता है तो मिट भी जाता है। धैर्य अपार सागर की भांति है जिसका कोई छोर नहीं होता। आपको हमारा ध्यान रहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ऋषिवर, मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूं, आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। आए दिन आपके इस आश्रम में अग्निकांड होते रहते हैं, उसमें या तो आपके पशु भस्म हो जाते हैं या घबराकर भाग जाते हैं। इन परिस्थितियों में आपके परिवार और आपके विद्यार्थी समूह का भरण पोषण एक समस्या है। मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं, यह गाय सुशीला। सुशीला, मैंने इस गौ का यही नाम रखा है। अपने नाम ही की भांति सुंदर है। सुंदर तो यह है ही ऋषिवर, परंतु संभवतः आप ये सोच रहे होंगे कि अकेले गौ आप सबका भरण पोषण किस प्रकार करेगी। नहीं ऋषिवर, आपने कामधेनु का नाम तो सुना ही होगा। कामधेनु को तो समस्त संसार जानता है ऋषिवर। ये वो गौ है जो सबका मनोरथ पूरा करती है। इसे धन धान जो कुछ भी मांगो सब मिलता है। यह सुशीला कामधेनु की ही संतान है और इसमें कामधेनु के सभी गुण हैं। ये आपके परिवार और आपके शिष्यगण सबका भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त है। मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार प्रकट करने के लिए ऋषि वशिष्ठ। इसकी आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। अनामिका को मैं अपने साथ इसलिए लेकर आया हूं कि सुशीला इसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती, यहां तक कि इसके अतिरिक्त वो किसी चारा भी नहीं लेती। पुत्री अनामिका, तुम्हारा और सुशीला का मेरे आश्रम में स्वागत है। ऋषिवर, वत्स राम कहां है? राम, पुत्र राम, पुत्र राम, देखो कौन आया है। सामने से नहीं हटती। देख नहीं रही हूँ मैं बाण चलाने का अभ्यास कर रहा हूँ। देख रही हूँ। तो फिर हटो बीच से वरना घायल हो जाओगी। हो जाने दो, एक तो दिन भर आश्रम आते नहीं और कोई यहाँ आए तो उससे भी सीधे मुँह बात नहीं करते। अच्छा बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछने आई थी। शीघ्र पूछो और जाओ यहाँ से ताकि मैं अभ्यास प्रारंभ कर सकूँ। क्या पूछना है? मुझे मनुस्मृति के इस श्लोक की व्याख्या पूछनी है। वजे तम मधु मांसम जगंदम माल्यम रसायनम त्रियम च कामम क्रोधम नर्तनम गीतवादनम। पिताश्री से पूछो जाकर, मेरे पास समय नहीं है,
मुझे इस समय सहस्र अर्जुन के अत्याचार के अतिरिक्त किसी वस्तु का स्मरण नहीं है और मैं उसी अत्याचार का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। किसी और व्याख्या के विषय में न मैं कुछ जानता हूँ न मैं जानना चाहता हूँ। परिहास समाप्त करो और चली जाओ यहाँ से। ऋषिवर वशिष्ठ प्रणाम। ऋषिवर यशस्वी भव। प्रणाम देवी। पुत्र तुमने ने नहीं पहचाना? पिताश्री कुछ कुछ ध्यान तो आ रहा है परंतु ये मेरे मित्र प्रेमव्रत की पुत्री अनामिका है। छोटी सी थी तब यहाँ थी। ओह ये वही छोटी सी कन्या है जिसका मुख एक क्षण के लिए भी बंद नहीं हुआ करता था। पिताश्री अब ये इतनी बड़ी और इतनी गंभीर हो गई है इसे पहचानना तो संभव ही नहीं। क्या मैं इतनी बदल गई हूँ कि पहचानी भी ना जा सकूं? हाँ यदि पिताश्री नहीं बताते तो पहचानना असंभव था। किंतु मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई। वो इसलिए कि मैं तो तनिक भी नहीं बदला। जैसा बाल्यकाल में था वैसा ही हूँ। ऋषिवर मुझे आज्ञा दे। पुत्री अनामिका सुशीला और उसके बछड़े को तुम्हारे संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूँ। उनका ध्यान रखना। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर।